न्यूज वालेकुम जेके न्यूज में खुश आमदी खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर अमेरिका के सफीर कैमरून मेंटर ने कहा है कि मसला कश्मीर के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुझरात और एतमद साजी जरूरी है नेट्रो सप्लाई लाइन की बहाली के हवाले ऐसी वाशिंगटन समेत दीगर इतिहादी ममालक के पाकिस्तान के साथ मुजात जारी है जमात इस्लामी आजाद कश्मीर के अमीर अब्दुल रशीद त्राबी ने कहा है कि पाकिस्तान मसला कश्मीर को दोबारा सलामती कौंसिल में ले जाए और भारत को इंसाफ के कटहरे में लाए ओ आई सी का सरबराही इजलास बुलाकर भारतीय मजालम कश्मीर में रियाती दहशत गर्दी को दुनिया के सामने लाया जाए आजाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की वक्फे वक्फे से गोलाबारी और फायरिंग का सिलसिला जारी है अवामी इलाका में शदीद खोफो हरास पाया जाता है भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन पर बटर सेक्टर के अलावा गोई सेक्टर में भी सुर्ख झंडे लहरा दिए कहते हैं कि खूबसूरती अपने आप के लिए खतरा होती है कुछ इसी तरह कश्मीर की वादियों को रौनक बख्शने वाले हरे भरे जंगलात भी आजकल आग आज की लपेट में हैं। इस हवाले से देखेंगे जे न्यूज की खसूस रिपोर्ट पीपल्स पार्टी पर जब भी तारकी तारकिन वतन ने क्यादत को सहारा दिया तारकिन वतन की तहरीक आजादी कश्मीर और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए बेपना खदमात हैं मशीर हुकूमत शौकत राजा का बरतानिया में इस्कबालिया तकरीब से खिताब अमेरिका के सफीर कैमरून मेंटर ने कहा है कि मसला कश्मीर के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान मजाक और एतमाद साजी जरूरी है नेटो सप्लाई लाइन की बहाली के, के हवाले से वाशिंगटन समेत दीगर इतिहादी ममालक के पाकिस्तान के साथ मजाक जारी हैं मुजफ्फराबाद में अपने एक रोजा दौरे के अख्ताराम पर मीडिया से गुफ्तु करते हुए अमरीकी सफी कैमरून मंटर ने कहा कि नेटो सप्लाई की बहाली के लिए दोनों ममालिक हतमी समझौते पर पहुंच चुके हैं नैटो सप्लाई की बहाली के हवाले से कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग की कामयाबी और दोनों ममालिक के वसीतर मुफादात के लिए सप्लाई लाइन की बहाली जरूरी है अमरीकी सफीर का कहना था की अमरीकी माहरीन की टीम इस अहम मसला पर पाकिस्तानी हकाम के साथ मुजात के बाद वापस अमरीका चली गई है अलबत्ता अमरीका को पाकिस्तान के सियासी फैसले का शिद्द से इंतजार है अमरीकी सफीर ने मसला कश्मीर के हवाले से कहा कि वाशिंगटन पाकिस्तान और भारत के दरमियान एतम साजी की बहाली के अमल को जारी रखने और मुजाक के हक में है इससे कबल अमरीकी सफीर ने आजाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुख्त एलिमेंट्री कॉलेज के एक सौ पंद्रह तलबा तालबात में वजायफ तकसीम करने की तकरीब ऐसी खिताब करते हुए कहा के अमरीका आजाद कश्मीर में जल्जले तबाह होने वाले इलाकों की के अलावा फरोग में भी अपना जारी रखेगा इस मौका सरदारोहमदानसिब ने खब करते तरबियत और जदीदम के फरोग के हवाले ऐसी अमरीका और यू एस एड के माली ताक्रिया अदा किया अमरीकी सफीर ने आजाद कश्मीर में अमरीका के माली ताकि मनसूबों आरोप इतमान का इजहार किया और इन मनसूबों ऐसी मुस्फीद होने वाले शहरों ऐसी भी खिताब किया जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के अमीर अब्दुल रशीद त्राबी ने कहा है कि पाकिस्तान मसला कश्मीर को दोबारा सलामती कौंसिल में ले जाए और भारत को इंसाफ के कटहरे में लाए ओ आई सी का सरबराही इजलास बुलाकर भारतीय मजालम कश्मीर में रियाती दहशतगर्दी को दुनिया के सामने लाया जाए अमीर जमाते इस्लामी आजाद कश्मीर अब्दुल रशीद तराबी ने बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मसले कश्मीर को दोबारा सलामती कौंसिल में ले जाए और भारत को इंसाफ के कटहरे में लाए और ओ आई सी का सरबराही इजलास बुलाकर भारतीय मजालिम और मकबूजा कश्मीर में रियाती दहशत गर्दी को दुनिया के सामने लाए उन्होंने कहा की आठ साल मुखरत का नाम लिहाद दूर होता रहा लेकिन भारत बुनियादी मसले पर बात करने के लिए तैयार नहीं भारत का एजेंडा कश्मीर को आलमी मंजरनामे से गायब करना है रशीद तराबी ने कहा कि तुर्की की अवाम हुकूमत को पाकिस्तान के हालात पर तशवीश है मगरबी में मसरूफ हैं। वो मसाइल हल नहीं कर सकते उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बड़ी जमातों के मसले कश्मीर पर कमजोर कौमी मौकफ़ को मुस्रद करते हैं अब्दुलरशीद तराबी ने कहा की अरब ममालिक मसला कश्मीर अवामी सतह पर उजागर है लेकिन बदकिसमती से पाकिस्तान की अदम दिलचस्पी की वजह ऐसी वो किरदार अदा नहीं हो रहा उन्होंने कहा कि एक बंदी के तहत मकबूदा कश्मीर में कश्मीरियों के दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है लेकिन भारत ने हाल ही में कश्मीर में एक सर्वे करवाया है जिसमे सत्तानवे फीसद कश्मीरियों ने भारत के साथ न रहने का इजहार किया है उन्होंने कहा की के बेस कैम्प की हुकूमत पार्लियमानी वफूद दानश्वर और अहले कलम को बैरून ममालिकिजवाए जो मसला कश्मीर को उजागर करने में किरदार अदा करें आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फ़ौज की वक्फे वक्फे से गोलाबारी और फायरिंग का सिलसिला जारी है अवामी इलाक़ा में शदीद खौफ वरास पाया जाता है भारतीय फ़ौज ने कंट्रोल लाइन पर बटल सेक्टर के अलावा गोई सेक्टर में भी सुरख झंडे लहरा दिए हैं कंट्रोल लाइन से आमदा इतलाहत के मुताबिक गुजशतर रोज सहपेहर के वक्त भारतीय फौज ने अचानक बटल सेक्टर में मार्टर गनों से सिविलियन आबादी पर अंधाधुंध गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया था गोलाबारी और फायरिंग का सिलसिला दूसरे रोज भी वक्फे वक्फे ऐसी जारी रहा जिसके नतीजा में मोहम्मद शोकत और शहजाद नामी दो अफराद अफरा जख्मी हुए जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद रावला कोट रेफर कर दिया गया है गोलाबारी ऐसी लोग घरों में मैसूर होकर रह गए हैं आजाद कश्मीर के जिला नीलम के सरकारी मुलाज़मीन की तालाबंद और कलम छोड़ हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरा शायर नीलम बंद करके एहताजी धरना मुलाज़मीन ने मुतालबात पूरे न होने की सूरत में पहिया जाम हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है जुमेरात के रोज जिला नीलम से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन ने मुलाज़मीन इतिहाद की काल पर जिले सदर मुकाम समेत तमाम सरकारी दफातर की तालाबंदी करके कलम छोड़ हड़ताल की और मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतरा किया सैकड़ों मुजाहरीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ऐसी बस स्टैंड तक मार्च किया और ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे मुजाहरीन ने शाहराहे नीलम आरोप धरना देकर ट्रैफिक जाम कर दी मुजाहन से खिताब करते हुए मुकररीन का कहना था कि जिला नीलम के मुकामी मुलाजमीन के साथ दोहरे मेयार का मुजाह किया जा रहा है वादी नीलम में काम करने वाले गैर मुकामी मुलाजमीन को तो हार्ड एरिया अलाउंस दिया जाता है मगर वादी नीलम के मुकामी छोटे मुलाजमीन को इससे महरूम कर दिया गया है जो की दोहरा मैार है मुकर ने धमकी दी की अगर मुतालबात पूरे ना किए गए तो पहिया जाम हड़ताल करेंगे कहते हैं कि खूबसूरती अपने आप के लिए खतरा होती है कुछ इसी तरह कश्मीर की वादियों को रौनक बख्शने वाले हरे भरे जंगलात भी आजकल आग की लपेट में हैं। देखते हैं कोटली आजाद कश्मीर से जब्बार अली शोकत की ये रिपोर्ट कश्मीर की सहर अंगेज वादियों को जहाँ सरसब्ज और शादाब जंगलात ने रौनक बख्शी है वहीं दुनिया भर के सियाहों को कुदरत के हसीन नज़ारों के मना से लुत्फानदोज़ किया अगर इन खूबसूरत मना से हरे भरे जंगलात ख़त्म हो गए तो ये हसीन नज़ारे ब्लैक एंड वाइट तस्वीर बनकर रह जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के बयालीस फ़ीसद रकबा जंगलात पाए जाते हैं कीमती लकड़ी से मालामाल ये खिता न सिर्फ ख़ूबसूरत है बल्कि सेहतमंद माहौल के हवाले से भी जाना जाता है जंगलात की बेजिया कटाई से सिर्फ दरख्तों को ही नुकसान पहुँच रहा था लेकिन जंगलात में आग लगने से नायाब जंगली हयात की नसलकुशी भी हो रही है या कोई और नहीं बल्कि हम में से चंद लोग अपने ज़ाती मफादात और लकड़ी के हसूल के लिए कई कई किलोमीटर जंगलात को आग में जोंक देते हैं और मौसम गरमा में इसकी शराब बढ़ जाती है जंगलात में लगने वाली आग से जंगली जानवरों का इंसानी आबादी से टकराव के वाक़ में भी इजाफा हो रहा है जिससे कई नायाब नस्ल के जंगली चीते लोगों की बंदूकों की गोलियों का निशाना बन चुके हैं लोगों का कहना है कि महकमा जंगलात के मुलाजमन अपनी चोरी छुपाने के लिए खुद ऐसी कार्रवाइया करते हैं और कुछ का कहना है कि इसमें मकानी लोग भी जंगलात को आग लगा देते हैं ये कोटली के गिरद गर्द नवाजी तकरीबन दो हफ्ते हो चुके हैं जंगलात में मुख्तु जगहों में आग लगी हुई है और आम लोगों का ये ख्याल है कि जंगलात में जो आग लगती है ये जंगलात के जो महकमा जंगलात के अहलकार हैं वो खुद आग लगाते हैं उसका रीज़न ये है कि वो करोड़ों रुपए की लकड़ी जो है गवर्नमेंट से चोरी छुपे बेचते हैं और फायर सीजन में जंगलात में आग लगाकर उसके नशलात मिटाने की कोशिश करते हैं तो आग की वजह से जहाँ पे जंगली हयात का नुकसान हो रहा है वहाँ इलाके की खूबसूरती में मुतासर हो रही है हमें इन दरख्तों की खुद हिफाजत करना होगी नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे माहौल जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा आलोदगी इतनी फैल जाएगी ये हमारी हिफाजत करते हैं ये दर ये हमारे दोस्त हैं, इनको हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए इनका इनकी हमें खुद हिफाज़त करना होगी जंगलात तो और जंगली हयात की हिफाजत के लिए मुख्तफ महमाजात काम कर रहे हैं लेकिन मौसर हकमत अमली ना होने के बायस लोगों को खुली छुट्टी है जिससे कई किलोमीटर जंगलात जल हाकस्तर हो चुके हैं लेकिन महकमा जंगलात तो वाइल्ड लाइफ अपनी जगह मुख्तफ वसाइल का रोना रो रहे हैं हमारे पास वसाइल की कमी है अब हमारे पास कोटली में जो हमारा कोटली डिस्ट्रिक का लैंड एरिया है वो चार लाख पच्चीस हज़ार एकड़ है और उसमें जो फॉरेस्ट एरिया है वो तकरीबन एक लाख सत्रह हज़ार एकड़ है अभी इसमें हमारे पास टोटल फारेस्ट गार्ड और फारेस्ट जो हैं वो तकरीबन नाइनटी के करीब हैं अब हर एक आदमी के ज़िम्मे आप देख लें कि एक हज़ार एकड़ से ज़्यादा अब एक हज़ार एकड़ रकबा एक आदमी के पास में बहुत मुश्किल है कि वो मुख्तलिफ जगहों पर पहुँच सके और ये सारी चीज़ें कर सके। ये हरे भरे जंगलात ना सिर्फ इन खूबसूरत वादियों की जान हैं बल्कि सेहतमंद माहौल के लिए भी ज़रूरी हैं अपनी चलती सांसों को बचाने के लिए इनको बचाएँ जो हमारी जिंदगी का अहम जुज़ है कैमरा टीम के साथ जबार अली शौकत कोटली आज़ाद कश्मीर दुनिया भर की तरह मीरपुर में भी वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे मनाया गया मीरपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अलशफ़ा फाउंडेशन के एहतमाम ब्लड कैंप का इनका किया गया जिसमें सिविल सोसाइटी ताजर बरदरी वकला सहाफ़ियों और मुख्तलिफ फिक्र से तल्लक रखने वाले अफराद ने शिरकत की मीरपुर में खून देने के आलमी दिन के मौका आरोप अलशफा ब्लड बैंक के जेर एहतमाम एक कैंप का इनका किया गया जिसमे सैकड़ों अफराध ने खून के एहतियात दिए इस कैंप में चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज़ाद कश्मीर के सदर डॉक्टर मोहम्मद अक्रम चौधरी और वाइस चांसलर मस्ट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर चौधरी नायब हुसैन सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अरशद मलिक सदर कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर सैयद आबिद हुसैन शाह डॉक्टर जफर इकबाल हमायू जमान मिर्जा ने भी खसूस तौर पर शिरकत की मुकर्रीन ने कहा के खून के अतिया देने वाले लोग बड़ी इबादत करके खुदा की खुशनुदी हासिल करते हैं और अपने जिस्म की जक़ात अदा करते हैं काबिल तहसीन है ऐसे लोग जो अपने खून से जान बचाते हैं अलशिफा फाउंडेशन ने थैलेसीमिया जैसे मूजी मर्ज के खिलाफ शूर बेदार करने के लिए अहम किरदार अदा किया है और अहम वाक़े पर थैलेसीमिया के मरीजों के साथ इजारे यकजहती भी किया है अलशिफा ब्लड बैंक वालों ने भी आए ये कैंप लगाया है और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप ब्लड दें ब्लड देने से कुछ नहीं होता और इस सिलसिले में हम लोग यहाँ गट्ठे हुए हैं और सब लोग यहाँ पर बारी बारी अपनी ब्लड दे रहे हैं और अपना नाम रजिस्टर करा रहे हैं और मैं इस सिलसिले में अलशभा ब्लड बैंक वालों को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये स्टेप लिया और हर मामले में ये स्टेप लेते हैं थलसीमिया सेंटर में बच्चों को ब्लड जो है ये यही मैया करते हैं और 100 परसेंट ये मैया करते हैं और इसी की वजह से ये थलसीमिया सेंटर जो है ये चल रहा है जदीद साइंस ने यह साबित किया है कि जब आप ब्लड देते हैं उसमें आपके जिसम पर मुसब मुसबत असर पड़ते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये आ, ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपके जो आप खून की जुकूत दें उन नन्हे मुन्ने बच्चे जो थैलेसीमिया का मतलब के उनकी बीमारी है उनके साथ जो है आप थोड़ा सा उनकी बीमारी का ख्याल रखते हुए आप जो है ब्लड डोनेट करें मैंने भी आज किया है तो अब दुआ करेंगे अल्लाह ताली मुझे आइंदा भी ब्लड डोनेट करने की मदद है बड़ी तादाद में लोग इस वक्त यहाँ पर जमा हैं और वो बारी बारी जो है खून के वो अहतियात भी दे रहे हैं मैं ये समझता हूँ कि ये जो खून देने का जो सिलसिला है बिलखसूस जो पाकिस्तान के अंदर और बिलखसूस आज़ाद कश्मीर के, के अंदर गरीब लोग भी हैं जिन्हें बहुत अशद ज़रूर था और अलशफ़ा ट्रस्ट ने हमेशा की तरह चाहे वो थलसमिया का दिन मना रहे हों उस दिन या फिर आज जो है कोई भी बड़ा इवेंट जहाँ कहीं दुनिया में मनाया जाता है तो मैं ये समझता हूँ उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी है और मैं एक शौर की आगाही भी है और ब्लड जो है मैं समझता हूँ सदका जारिया का जो सिलसिला है ये अलशफा के उन मम्मरान को मैं समझता हूँ अल्लाह की बारगाह में ये उनकी जो काविश है जरूर कामयाब होगी कबूल भी होगी दुनिया भर में आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जा रहा है और जिस जिसकी वजह से आज आज़ाद कश्मीर आज में डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में भी अशफा फाउंडेशन के तमाम ब्लड डोनर डे का इनका किया गया जिसमें बहुत सारे अशफा फाउंडेशन के जो मंबरान हैं उन्होंने ब्लड देकर इस आ, इस आलमी दिन के मौके पर यह साबित कर दिया कि कश्मीरी आवाम जो है किसी से कम नहीं है वो हर मौके पर जो है वो, वो, वो भर चढ़ कर मस तरह के जो सेमिनार हैं उनमें जो है अपना किरदार अदा करेगी और इन शम्मीद करते हैं कि ये आज ये छोटा सा जो फंक्शन है आने वाले वक्तों में हम इन इसका बहुत बड़ा के करेंगे। आजाद कश्मीर, राजा शौकत खालक और राजा रहमान ने ब्रेडफोर्ड में अपने एजाज में मुनदा इस्तान से खिताब करते हुए कहा वतन की खिदमत बेलोस और नाकबले फरामोश हैं पीपल्स पार्टी पर जब भी मुश्किल वक्त आया बरतानिया में आबाद तारकिन वतन ने क्यादत को सहारा दिया तहरीक आज़ादी कश्मीर को पूरी दुनिया में उजागर करने में तारकिन वतन ने कलीदी करदार अदा किया है हुकूमत आज़ाद कश्मीर तरक्की की शाहरा पर गजन है ब्रेडफोर्ड में इस्कबालिया तकरीब की मेजबानी राजा निजाबत हुसैन और सरदार अब्दुलरहमान ने की रिपोर्ट कर रहे हैं जे के न्यूज़ के नुमाइंदे अरशद रचयाल जम्मू कश्मीर तहरीक हक खुद इरादियत यूरोप के चेयरमैन राजा नजाबत हुसैन और सरप्रस्त आला सरदार अब्दुलर की तरफ से ब्रेडफोर्ड के मुकामी रेस्तोरान में मुशीर आज़ाद हुकूमत ब्राय सियासी अमूर राजा शौकत खालिक एडवोकेट और मुशीर आज़ाद हुकूमत हुए कश्मीर अफेयर्स राजा रहमान के एजाज में दिया। इस दिया इसकबालिया तकरीब की सदारत ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी राजा अब्दुलरहमान ने की तकरीब ऐसी मुशीर आजाद हुकूमत ब्राय सियासी अमूर राजा शौकत खालक एडवोकेट ने खिताब करते

वही भुट्टो अपनी भुट्टो अपने को दे कर गया वही भट्टो अपने गया जैसे गया उन्होंने कहा की तारकिन वतन कश्मीरियों ने ना सिर्फ तहरीक आजादी कश्मीर को पूरी दुनिया में उजागर किया बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जब भी बुरा वक्त आया वतन अजीज में जब भी मार्शल ला लगा तारकिन वतन कश्मीर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन और कारकुनों को पनाह दी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर मसला कश्मीर के लिए मार्ज वजूद में आई थी उन्होंने कहा कि अयूब खान के दौर में जब ताशकंद हुआ तो बाबा शहीद जुल्कारली भुट्टो ने फौरन इस्तीफा देकर हुकूमत अलहदगी इख्तियार की और तहरीक आजादी कश्मीर की जदोजोहद के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी उन्होंने कहा की आज सिर्फ एक साल के अंदर आजाद कश्मीर में दो मेडिकल कॉलेजे ने अपना काम शुरू कर दिया है और एयरपोर्ट के मंसूबे का पाकिस्तानी हुकूमत ऐसी ऐलान भी ले लिया है जिस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा उन्होंने कहा की आजाद कश्मीर में वजी आजम जहाँ भी जाए स्कूल कॉलेज और महकमे सेहत का कोई भी सेंटर अपग्रेड करना हो तो वो नोटिफिकेशन साथ लेकर जाते हैं मुशीर हुकूमत मुशी कश्मीर अफेयर राजा रहमान ने कहा की तारकिन वतन कश्मीरियों ने अपनी मेहनत और जिद्दोजहद ऐसी तहरीक आज़ादी को दुनिया में उजागर किया और बरतानिया यूरोप अमरीका में अपना नाम पैदा किया है उन्होंने कहा की तार्किन वतन कश्मीरियों के मसाइल के हल के लिए कश्मीर हाउस में डेस्क कायम कर दिया गया है और और बहुत जल्द पाकिस्तान के मुख्तिक एयरपोर्ट पर भी डेस्क कायम करेंगे तकरीब ऐसी मशीरे हुकूमत आज़ाद कश्मीर और सरप्रस्त ऐसी आला जम्मू कश्मीर तहरीक हकियत यूरप सरदार अब्दुलरमान खान सबक चेयरमैन मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी चौधरी मोहम्मद सिद्दीक स्टाफ ऑफिसर ब्राए वजी आजम आजाद हुकूमत मास्टर राजा खिजर रहमान चेयरमैन जम्मू कश्मीर तहरीक हक़रात यूरोप राजा निजाब हुसैन सबक कौंसलर और चेयरमैन उम्मीद वेलफेयर ट्रस्ट मेहरबान हुसैन राजा अब्दुलरहमान कौंसलर असकर कुरैशी सबक लॉर्डमेयर मोहम्मद अजीब और सबक लॉर्ड मेयर राजा गजनफर खालिक ने भी खिताब किया तकरीब में मुशीर आज़ाद हुकूमत राजा खालिद फारूक बाबा चकसवारी बाबा शरीफ के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों ने भी शिरकत की आज़ाद जम्मू और कश्मीर स्टेट पॉलिसी फ्रेमवर्क डायलॉग के मौका पर बताया गया है कि हुकूमत के पास मुस्तबिल की मनसूबाबंदी के लिए कोई भी डेटा मौजूद नहीं जिसकी बुनियाद पर अबाब वसाइल को आवाम की फलाह बहबूद के लिए दानशमंदाना अंदाज में इस्तेमाल किया जा सके मुजफ्फराबाद में मुनद होने वाले इजलास में पॉलिसी फ्रेमवर्क डायलॉग का मकसद खुत को कौमी तरक्की में शामिल करने के लिए लाये अमल तैयार करना था जिसका इंतजाम महिला बहबूद और तरक्की नुस्ट किया मुज्जा स्टेट पॉलिसी बरए तरक्की खुतिन के मुख्तलि पहलुओं पर अपनी तजावीज पेश की इस मौका पर बताया गया की आज़ाद कश्मीर के महकमा मंसूबाबंदी और तरक्यात के पास काबिल डेटा नहीं है जिसकी वजह ऐसी रियासत के वसायल को बहबूद के लिए इस्तेमाल करने में मुश्किल का सामना है पॉलिसी डायलॉग में तजवीज़ दी कि की आजाद कश्मीर एक जामे डेटा हासिल करने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्ल दे जिसमें मुख्तर हल्कों समेत तमाम मुतलका इदारों को शामिल करके काबिल एतम शुमार हासिल किए जा सके कोटली में मरकजीन ताजर के इंत जून को होंगे इंतबात के लिए ताजरों में खूब जोशो खरोश पाया जा रहा है कार्नर्स मीटिंग और बाजारों में बैनर्स आवेदा कर दिए गए हैं मरकजी अंजुम ताजरान के इंत के लिए शहर भर में ताजर कॉर्नर मीटिंग का अहतमाम कर रहे हैं, जबकि के इंतहा चौबीस जून को होंगे इंतहा में हिस्सा लेने के लिए ताजरों में खूब जोशो खरोश पाया जाता है और ताजरों के मुख्त पैनल सामने आना शुरू हो गए हैं। अंजुमन ताजरान के सदर मलिक याकूब ने ताजर इतिहाद पैनल का ऐलान किया जिसमे सदारती उम्मीदवार मलिक याकूब जनरल सेक्रेटरी अनवार बेग सरप्रस्त आला बशीर भट्टी नायब सदर मसूद आरिफ कोर्डिनेटर जमील हास को नामजद किया है हमारे नुमाइंदे अली शौकत के मुताबिक मलिक याकूब ने इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया जिसके बाद ताजरों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ताजरों के हकूक के लिए मरकजी अंजुमन ताजरान अपना किरदार अदा करती रहेगी अंजुम ताजरान गैर सियासी प्लेटफॉर्म है इसमें कोई बरादरी और सियासत नहीं इसका मकसद आवाम की बेहतर अंदाज में खिदमत करना है और ताजरों के हकूक के लिए अपना किरदार अदा करना है महकमा लोकल गवर्नमेंट के के मुलाज़मीन ने अपने मुतालबात के हक ग के कालीटिया बांध कर दफातर को ताले लगा दिए अठारह जून तक मुतालबात हल न होने की सूरत में भूख हड़ताल करने का ऐलान महकमा लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन ने जिला कौंसिल मीरपुर के अहाते में एहतजाजी कैंप लगाकर अपने मुतालबात के हक में हड़ताल शुरू कर रखी है हड़ताल में महकमा लोकल गवर्नमेंट के दफ्तरी स्टाफ के अलावा फील्ड स्टाफ ने भी शिरकत की मुलाजमीन ने बाजुओं आरोप पटिया बांध कर दफातर की मुकम्मल तालाबंदी कर रखी है इस मौका पर मुलाजमीन ने जेके न्यूज ऐसी गुफ्तू करते हुए कहा की अगर हुकूमत ने अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम न किए तो अठारह जून ऐसी पूरे आजाद कश्मीर में लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन एहतजाजी कैंप लगाकर भूख हड़ताल शुरू कर देंगे दोरी पॉलिसी है गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर की कि एक तरफ तो कहती है जो भी पंजाब में मिलेगा वो आज़ाद कश्मीर में मिलेगा तो मैं वैसी सदर गैजा ज़िला मीरपुर ये इनके साथ मुकम्मल महत्व का ऐलान करता हूँ और गुमते वक्त से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर इनके जो सेकट्री साहबान के इनका मुतालबा जो है हल किया जाए मुतालबा पूरा किया जाए उन्नीस सौ पैसठ से लेकर इस वक्त तक सेक्री यूनियन कांसल पाँचवें सके में आज़ाद शून्य में जाब कर रहा है और जो बैजक वक़्त फील्ड का माजम भी है और दफ्तरी मलाजम ही है जब कहीं मराहत मिलती है दफ्तरी मुलाजम को तो उस वक्त कह दिया जाता है सेक्टरी यूनियन कौंसल फील्ड का मुलाजम है और जब फील्ड को मरात दी जाती है उस वक्त कह दिया जाता है कि ये दफ्तरी मुलाजम है इस तरह हमको टाल मटोल से काम लिया जा रहा है जबकि पंजाब के अंदर जो नोटफिकेशन जारी हुआ है वहाँ पर सेक्टरी यूनियन कौंसिल सातवें और ग्यारहवें स्केल में जाब कर रहा है ये सरा मैं समझता हूँ ना है भरपूर तरीके से आज भी एहतजाज करते हैं वजी आजाद कश्मीर से और सदर रियासत आदा जम्मू कश्मीर से कि हमारे तस्लीम शुदा जो मतालबात हैं उनको फौरी तौर पर हल किया जाए वगरना ये तो हमारी कलम छोड़ हड़ताल है हम भरपूर ऐलान करते हैं कि अठारह जून से हम बू बुक, भरपूर बूकाल ऐलान करते हैं हम इसका और आखिरी तक हम इस हड़ताल को कामयाब और अपने मुतालबात को मनवाने के लिए हम आखिरी हद हाँ तक जाने के लिए तैयार हैं हमारा महकमा जो पचास की दाई में विलेज एड के नाम से जो है ना क़ायम हुआ था उस वक्त तो बहुत से शोबे जो है इसके साथ मुंसलिक थे और एक तहसीलदार को जितनी तरह मिलती है वो एक विलेज एड वर्कर को जो है वो मिलती थी अब जब विलेज एड का निज़ाम ख़त्म हुआ और फिर ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है ना कायम हुआ वो बुनियादी जमूरियत आई तो उसके बाद जो है ना सेक्टर यून कौंसल विलेज एड वर्करों को सेक्टर यूनियन कौंसल जो है ना बना दिया गया अब सेक्टरी यून को उस वक्त पता नहीं किस साहब ने कैसे जो है ना उससे जो है ना क्या गलती हो गई है और उसने जो है ना ग्रेड पाँच दिया और आज तक कितने साल गुजर चुके हैं छत्तीस छत्तीस साल सर्व से हो के लोग रिटायर हो चुके हैं लेकिन वही पाँच 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 स्केल और जब बात आती है कि बुनियादी इकाई है जी सेक्टरी यूनियन कौंसल और सेक्टरी यूनियन कौंसल से सारे क्वाइफ लिए जाते हैं और बुनियादी तौर पर सारे काम जो है ना सेक्टरी यूनियन कौनसिल से लिया जाता है बलदयाती नज़ाम जब कायम था उस वक्त जो है ना सेकटरी यूनियन कौंसिल ने अपना जो है बेहतरीन करदार अदा किया अब भी करदार अदा कर रहे हैं लेकिन वही पाँचवां स्केल और उसी में जो है नहीं, नहीं और बच्चे जो है फाके कशी के अंदर इस महंगाई के दौर में जो नहीं नहीं है नार रहे हैं यूनियन कौंसिल के सेक्रटरीज़ का जो एहत हुआ है मैं इसकी हमायत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये इनका बुनियादी हक है कि इनको प्रसाद रे पाँचवें स्केल पर काम कर रहे हैं और मैं जनाब वजी अजम आज़ाद कश्मीर से भी दरख्वास्त करूँगा कि इन इनके स्केल की और महाराद में इजाफा किया जाए सेक्टरी यूनियन कौनसल एक बुनियादी पोस्ट है इनकी बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं लोकल गवर्नमेंट में भी इनकी बड़ी असीियत है तो मैं समझता हूँ यह इनका जायज़ मतलब है और पूरा होना चाहिए मैं वजीर अजम से भी रिक्वेस्ट करूँगी और अब जे के स्पोर्ट्स नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर हॉकी चैंपियनशिप जिला सदरुती की टीम ने पुंछ की टीम को सिफर के मुकाबले में दो गोल से शिकस्त देकर जीत ली आजाद जम्मू कश्मीर हॉकी एसोसिएशन नेशनल बैंक और आजाद कश्मीर स्पोर्ट्स बोर्ड के बाहमी इश्तराक से मुनदा एन बी पी आजाद कश्मीर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में आजाद कश्मीर की आठ टीमों ने हिस्सा लिया खुर्शीद स्टेडियम मुजफ्फराबाद में खेले गए फाइनल में सुधनोती की टीम ने खेल के पहले हाफ में ही गोल करके पुंछ की टीम आरोप बढ़तरी हासिल कर ली जबकि दूसरे हाफ में दूसरा गोल करके फतेह को यकीनी बना दिया दोनों गोल साजिद ने किए चैंपियनशिप की अख्तामी तकरीब से आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर सरदार गुलाम सादिक वजी स्पोर्ट्स मोहम्मद सलीम बट एन बी पी बैंक आजाद कश्मीर के रीजनल चीफ शाहिद इकबाल डार और हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल फारूक अशरफ आवान ने मुकर्रन ऐसी खिताब करते हुए कहा की आजाद कश्मीर में हॉकी के ग्राउंड आस्ट्रो ट्रफ न होने के बायस बाहत खिलाड़ी अपनी सलाहित का मुजाह नहीं नहीं कर सकते उन्होंने कहा कि जिस कौम के खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ हस्ताल वीरान और जरायम की शराब कम होती है इस मौका पर विनर और रनर अप टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी और शील्ड्स भी दी गईं जेके न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही مزید खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv इसके साथ ही मोहम्मद रफीक मुग़ल को दीजिए इजाजत अल्लाह निगहबान हर खबर पु असर